हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन यानी खेल चिकित्सा से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड चैप्टर वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी थ्योरी वीडियोज, एमसीक्यूज वीडियोज, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं। दोस्तों, जैसा कि आप अपना प्रैक्टिस पूरे मन से इस चैनल पर कर सकते हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, थ्योरी सेशन वाला पूरा चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक आपको समझाया गया है डिटेल में। आप वहां पे जब देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। एंड दोस्तों, दोनों टाइम मैं प्रैक्टिस इस समय करा रही हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल पे जुड़ जाइए। जो भी आप ऑथेंटिक बुक लिए हैं उस बुक को भी पढ़ते रहिए, बार बार रिविजन कीजिए जब तक आ ना जाए। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि मालिश के प्रेशर मैनिपुलेशन के अंतर्गत कितने प्रकार की मालिश आती हैं। तो दोस्तों, मालिश जो है वो चार प्रकार का होता है। यहाँ मैं इसका ट्रिक बनाई हूँ, एस पी पी एस। एस से है स्ट्रोकिंग यानी कि सहलाना, पी से प्रेशर यानी कि दबाना, फिर पी से परक्यूजन यानी कि थपथपाना, एस से सैकिंग यानी कि झकझोरना। ठीक है, यानी कि स्ट्रोकिंग, प्रेशर, परक्यूजन, सैकिंग यानी सहलाना, दबाना, थपथपाना, झकझोरना, ये चार प्रकार के मालिश होते हैं। जिसमें से इसमें क्या पूछा है, प्रेशर मैनिपुलेशन यानी दबाना, ये तीन प्रकार का होता है। प्रेशर जो है यह तीन प्रकार का होता है। इसका है के पी एफ यानी कि नीडिंग, पेट्रिसाज, फ्रिक्शन यानी कि गुथना, चिकोटना, घर्षण, ये तीन प्रकार का होता है प्रेशर मैनिपुलेशन। तो प्रेशर मैनिपुलेशन कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालिश के परक्यूजन मैनिपुलेशन के अंतर्गत कितनी मालिश आती हैं। तो दोस्तों, परक्यूजन के अंतर्गत आता है जिसे थपथपाना बोलते हैं हिंदी में, ये चार प्रकार का होता है। ये चार प्रकार का होता है। इसके लिए आपका है एच सी बी पी, यानी चार प्रकार का कौन सा होता है। एस हो गया हैकिंग, क्यूपिंग, बीटिंग, पाउंडिंग। ठीक है, हैकिंग, क्यूपिंग, बीटिंग, पाउंडिंग, ये चार प्रकार का होता है आपका परक्यूजन। हैकिंग में क्या होता है कि हथेली से हल्का हल्का प्रहार किया जाता है। क्यूपिंग में जो हमारे हाथ को होता है, हथेली को प्याले के नुमा आकार देकर के उसको थपथपाया जाता है। बीटिंग में मुक्का बनाकर, और पाउंडिंग में जो होता है हथेली की जो गुलौकी होता है, अंगूठा और छोटी उंगली के में तबले बजाने जैसी क्रिया करते हैं। ठीक है, उसमें भी पूछा जाता है कि हैकिंग के कितने प्रकार हैं। तो हैकिंग के चार भाग होते हैं, हार्ड हैकिंग, सॉफ्ट हैकिंग, डाइवर्टेज और कन्वर्टेज। हार्ड हैकिंग में ज्यादा प्रहार किया जाता है, सॉफ्ट हैकिंग में कम प्रहार किया जाता है, डाइवर्टेज हैकिंग में कई बिंदुओं पर मालिश किया जाता है, और कन्वर्टेज मतलब एक ही बिंदु पर मालिश। तो मालिश वाले वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। थ्योरी सेशन जाकर देखिए इसके डाउट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अपने मरीजों के इलाज के लिए मालिश का प्रयोग कौन सा चिकित्सा वैज्ञानिक करता था। तो वो था हिप्पोक्रेटस। जैसे कि दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान के जनक भी माने जाते हैं हिप्पोक्रेटस, यूनान के थे। नेक्स्ट है, फिजिकल ट्रीटमेंट चिकित्सा को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जाना जाता है फिजियोथेरेपी, या एलटीके 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वह कौन सी चिकित्सा विधि है जिसमें बर्फ का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वह कौन सी चिकित्सा विधि है जिसमें बर्फ का प्रयोग किया जाता है, तो क्रायोथेरेपी। नेक्स्ट है, वह कौन सी चिकित्सा विधि है जिसमें ठंडे और गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है एग्जाम्स में। तो कंट्रास्ट बाथ बोला जाता है, जिसमें ठंडा गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है, और सबसे पहले ठंडा पानी का प्रयोग किया जाता है, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, वह कौन सा चिकित्सा विधि है जिसमें मोम का प्रयोग किया जाता है। तो वो होता है पैराफिन बाथ। नेक्स्ट है, कोल्ड स्प्रे में कौन सा गैस प्रयोग होता है। दोस्तों, जब भी चोट लगता है, देखते हैं आप कोल्ड स्प्रे उस पर लगाते हैं, तो उसमें इथाइल क्लोराइड और मीथेन गैस भरा होता है। कौन सा, इथाइल क्लोराइड और मीथेन गैस भरा होता है। नेक्स्ट है, किस चिकित्सा विधि में बायोन्सी यानी तरलशीलता का नमक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो भंवर स्नान यानी व्हर्लपूल बाथ में किया जाता है, जैसा कि मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ, हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत।
नेक्स्ट दोस्तों, किस चिकित्सा विधि में ठंडे पानी में चोट लगे अंग को डुबोकर अभ्यास किया जाता है? तो दोस्तों उसको कहते हैं क्रायोकाइनेटिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। जब ठंडे पानी में डुबोकर अभ्यास कराया जाता है, तो ठंडा पानी में डुबोना है, अभ्यास दोनों चीजें आए तो जान लीजिएगा वो क्रायोकाइनेटिक्स चिकित्सा विधि कहलाता है। नेक्स्ट है इंफ्रारेड रेंज यानी इंफ्रारेड किरण निकालने के लिए कौन से दो उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश युक्त अप्रकाश युक्त यानी ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस का प्रयोग किया जाता है इंफ्रारेड किरण निकालने के लिए। इसके बारे में बता चुकी हूं। नेक्स्ट है किस चिकित्सा विधि में सूर्य की किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रा वायलेट रेंज में किया जाता है। वह कौन सी विद्युत चिकित्सा विधि है जिसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाह के माध्यम से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है? तो विद्युत धारा प्रवाह के माध्यम से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है डायथर्मी में। नेक्स्ट है डायथर्मी को उसके विद्युत धारा प्रवाह के माध्यम से उत्पन्न तरंगों की फ्रीक्वेंसी के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है? तो उसको तीन प्रकार में बांटा गया है, शॉर्ट वेव, माइक्रोवेव और लॉन्ग वेव डायथर्मी। नेक्स्ट है विद्युत चिकित्सकीय तरंगों में शॉर्ट वेव डायथर्मी के अंतर्गत उपचार की कौन कौन सी विधि है? शॉर्ट वेव डायथर्मी के अंतर्गत भी उपचार की कितनी विधियां हैं? दो, कैपेसिटर फील्ड मेथड एंड कैपल मेथड। नेक्स्ट है विद्युत चिकित्सकीय तरीकों में सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है? तो जो विद्युत चिकित्सकीय तरंगों में डायथर्मी होता है इसके अंतर्गत शॉर्ट वेव माइक्रोवेव लॉन्ग वेव डायथर्मी आता है, जिसमें सबसे अच्छा माना जाता है माइक्रोवेव डायथर्मी। नेक्स्ट है कि वह कौन सी विद्युतीय चिकित्सा है जिसमें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग मुलायम उत्तकों एवं हड्डी की तीव्र सूजन को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वह होता है डायपल्स थेरेपी। आप ध्यान रखिएगा, उत्तकों को गहराई तक घाव को भरने के लिए डायथर्मी का प्रयोग किया जाता है चिकित्सा पद्धति का, और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का मुलायम उत्तकों और हड्डी की तीव्र सूजन को कम करने के लिए डायपल्स थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। घाव भरने के लिए डायथर्मी का, तीव्र सूजन को कम करने के लिए हड्डी की डायपल्स थेरेपी। नेक्स्ट है पैराध्वनि तरंगों का प्रयोग किस चिकित्सीय विधि में होता है? तो उसमें होता है अल्ट्रासाउंड थेरेपी में होता है। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी के जन्मदाता यानी कि खेल चिकित्सा के जन्मदाता, चिकित्सा विज्ञान के जन्मदाता यानी शारीरिक चिकित्सा जो है फिजियोथेरेपी जिसे कहा जाता है उसका जन्मदाता है हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक उपचार को किससे संबोधित किया जाता है? तो फिजियोथेरेपी से। नेक्स्ट है चोट लगने के पश्चात पुनः स्थापन में जो एक्सरसाइज रह जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक्टिव पैसिव एक्सरसाइज कहा जाता है। तो जो चोट लगने के पश्चात जो पुनर्वास के लिए यानी कि रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में एक्सरसाइज कराई जाती है वो करेक्टिव एक्सरसाइज कराई जाती है, उस एक्सरसाइज में एक्टिव एक्सरसाइज और पैसिव एक्सरसाइज आता है। नेक्स्ट है करेक्टिव एक्सरसाइज में किस प्रकार के व्यायाम आते हैं? दोस्तों तो सामान्य और विशिष्ट प्रकार के व्यायाम आते हैं, इसमें भी एक्टिव और पैसिव प्रकार का होता है। नेक्स्ट है पुनः स्थापन में विशिष्ट व्यायाम के अंतर्गत किस प्रकार के व्यायाम अभ्यास कराए जाते हैं? तो इसमें विशिष्ट के अंतर्गत आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक आइसोकाइनेटिक व्यायाम कराए जाते हैं, जिसके बारे में तीनों के बारे में डिटेल में बताया गया है वीडियो में, थ्योरी वाले वीडियो में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज थेरेपी के अंतर्गत जिन अभ्यासों में उपकरणों या किसी साथी की मदद ली जाती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों किसी साथी या उपकरण का प्रयोग लिया जाता है उसको पैसिव एक्सरसाइज कहा जाता है, जिसमें किसी का मदद नहीं लिया जाता स्वयं से किया जाता है उसको एक्टिव एक्सरसाइज कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों किस राइस सिद्धांत में सी से क्या तात्पर्य है? तो राइस RICE, राइस में आर से तात्पर्य है रेस्ट, आई से आइस यानी बर्फ लगाना, सी से कंप्रेशन यानी कि दबाव डालना, ई से इलिवेशन यानी कि हृदय की ऊंचाई से
हृदय से ऊंचाई पर उठाना। तो यहाँ पे सी से तात्पर्य है दबाना, कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजियोथेरेपी को किस विधि में बायोंसी ला का प्रयोग किया जाता है? तो वह होता है भौर स्नान यानी कि वर्लपूल बाथ में। नेक्स्ट है, उपचार करने की उस थेरेपी को क्या कहते हैं जिसे पानी का प्रयोग किया जाता है? तो उसे हाइड्रोथेरेपी कहते हैं, जिसके अंतर्गत गर्म पानी की चिकित्सा, ठंडे पानी की चिकित्सा, ठंडा गर्म चिकित्सा ये सब आते हैं। तो हाइड्रोथेरेपी के वीडियो को थ्योरी वाला सेशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट, उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें गर्म और ठंडा पानी दोनों का प्रयोग होता है? तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो कंट्रास्ट बात किया जा होता है जिसमें गर्म और ठंडा दोनों पानी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहले ठंडे पानी का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस थेरेपी को क्या कहते हैं जिसमें बर्फ या ठंडे पानी का प्रयोग कर चोट लगे अंग को अभ्यास कराया जाता है? तो बर्फ या ठंडे पानी का प्रयोग भी किया जाता है प्लस हल्का हल्का अभ्यास भी कराया जाता है, उसको कहते हैं क्रायोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट, उस थेरेपी विधि को क्या कहते हैं जिसमें बर्फ का प्रयोग किया जाता है? तो उसको कहते हैं क्रायोथेरेपी। पानी का प्रयोग किया जाता है हाइड्रोथेरेपी, बर्फ का प्रयोग किया जाता है क्रायोथेरेपी। नेक्स्ट, साइटोक्रोम क्रिस्टल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह हाइड्रोक्लोरेटल पैक के लिए किया जाता है जो हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है, चोट लगने के पश्चात जो कोल्ड स्प्रे का प्रयोग किया जाता है उसमें कौन सी गैस होती है? तो इथाइल क्लोराइड और मीथेन गैस होता है, कई बार ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, उस थेरेपी विधि को क्या कहते हैं जिसमें मोम का प्रयोग किया जाता है? तो उसको कहते हैं पैराफिन बॉथ, मोम चिकित्सा। नेक्स्ट है, पैराफिन बॉथ के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? दोस्तों, तो पैराफिन पेंटिंग किया जाता है और पैराफिन डिप किया जाता है, यानी कि उसको हाथ पे जहाँ पे चोट लगा है वहां पे रख दिया जाता है और या तो उसमें डुबो दिया जाता है। नेक्स्ट है, वर्लपूल बॉथ, कंट्रास्ट बॉथ, इमिरेशन बॉथ आदि किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी के सभी हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, कोल्ड पैक्स, क्रायोकाइनेटिक्स, आइस पैक, आइस मसाज, कोल्ड टॉवल, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सभी में बर्फ का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये सभी के सभी क्रायोथेरेपी में आते हैं, जिसमें बर्फ का प्रयोग, ठंडे पानी का प्रयोग किया जाता है, क्रायोथेरेपी, ठंडी चिकित्सा को कहते हैं। नेक्स्ट है, जिसमें बर्फ का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो क्रायोथेरेपी। नेक्स्ट है, उस थेरेपी को क्या कहते हैं जिसमें ठंडे पानी या बर्फ का प्रयोग किया जाता है? तो उसको कोल्ड थेरेपी या क्रायोथेरेपी बोला जाता है। नेक्स्ट है, कंट्रास्ट बाथ में सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, तो सबसे पहले ठंडे पानी का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चोट लगने के पश्चात कितने समय के अंतर्गत बर्फ का प्रयोग हो जाना चाहिए? तो 2 से 3 मिनट के अंदर, यानी तुरंत चोट लगा तुरंत आपको सबसे पहले उपचार बर्फ ही लगाना है। नेक्स्ट, पैराफिन बॉथ में पैराफिन द्रव्य के साथ किस पदार्थ का को मिलाया जाता है? तो इसमें पेट्रोलियम जेली को मिलाया जाता है और सबको 40 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, पैराफिन बॉथ के अंतर्गत पैराफिन दवा को किस ताप तक गर्म किया जाता है? तो 40 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म किया जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत हाइड्रोक्लोरेट जो पैक होता है उसको कितने तापमान तक गर्म किया जाता है? तो उसको 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। नेक्स्ट, कंट्रास्ट बाथ में गर्म पानी का ताप सबसे अच्छा किस स्तर पर माना जाता है? तो 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो गर्म पानी का तापमान होता है वो माना जाता है। नेक्स्ट, खेल चिकित्सकीय शास्त्र में प्रकाशीय कीड़ों से संबंधित कीड़ों से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो वह होता है इंफ्रारेड किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें। नेक्स्ट है, ल्यूमिनस तथा नॉन ल्यूमिनस यानी प्रकाशयुक्त और अप्रकाशयुक्त उपकरणों का प्रयोग किस थेरेपी विधि में किया जाता है? तो इंफ्रारेड किरणों में किया जाता है। नेक्स्ट है, इंफ्रारेड किरणों के तरंगों की लंबाई कितनी होती है? तो 40,000 एम्पियर यूनिट होती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि डायथर्मी कितने प्रकार की होती है? तो डायथर्मी जो है लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव, माइक्रोवेव, 3 प्रकार की होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा आपके मन में मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और आप इसी तरह तैयारी करते रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए और दोनों टाइम प्रैक्टिस कीजिए और जितने भी वीडियोज हैं मेरे चैनल पर सभी को देखिए।
जिससे आपको बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। एंड दोस्तों, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।